जी पहले तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर महकमा बैल के तर के पी डी सी एल उस वादे पर अभी भी अमल कर रहे हैं और हमारी जदीद कोशिश है कि किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी सनारी इम्प्रूव होता रहे आ, हमें थोड़ा भी डिस्ट्रेस कंटेलमेंट की वजह से स्टेबलाइजेशन ईशूज़ आ रहे हैं बट कुछ ही अरसे में आ, वो दुरुस्त किए जाएंगे आप क्या समझते हैं इसको दुरुस्त करने में कितना वक्त लग सकता है जे इलेक्ट्रिसिटी सनारियो थ्रू आउट द कंट्री इज स्लाइटली शेकी राइट नाउ हमारा थर्मल प्रोडक्शन काफ़ी अफेक्ट हुआ है विंटर्स इस विंटर्स में हमारा हाइड्रो प्रोडक्शन भी काफ़ी अफेक्टेड है uh, हमारे अपने लेवल पे लॉसेस uh, uh, भी बहुत ज़्यादा हैं कंज्यूमर uh, से कलेक्शन uh, भी काफ़ी मिनिमल है uh, इसके चलते द पार परचेज इज़ लिमिटेड हाउेवर पिछले साल और उससे पिछले साल के मुताबिक द टोटल अमाउंट ऑफ पावर दैट वी आर मेकिंग अवेलेबल इज़ मोर देन प्रीवियस ईयर्स और uh, हमारी कोशिश है कि हम uh, जितने एफिशिएंट तरीके से सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर पाए उतना बेहतर होगा हाउ ये तभी बरकरार हम कर पाएंगे अगर कंज्यूमर्स भी जुडिशस यूज़ करेंगे क्रूड हीटर्स और क्रूड बॉयलर्स का इस्तेमाल ना करें और इलीगल कनेक्शन हुक कनेक्शन से परहेज़ करें जी बिल्कुल हमने उनको ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए नोटिफाई किया था ये yes, कभी कभी डिस्ट्रेस कंटेलमेंट के चलते उन्हें दो घंटे के करीब कुछ कट देखना पड़ रहा है जो कि अगर अवेलेबलिटी होगी हम पूरा ट्वेंटी फोर सप्लाई कर पाएंगे